This time we are staying in ITC Grand Resort and this is one of the best resorts in South Goa. गाइस अभी हम आईटीसी ग्रैंड रिसॉर्ट पहुंच गए हैं विच इज इन साउथ गोवा. उन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया विद वेलकम ड्रिंक. इट्स वेरी टेस्टी. इस रिसॉर्ट के रूम्स 18,000 प्लस टैक्सीज के साथ स्टार्ट होते हैं विच वेरीज फ्रॉम डे टू डे. यहां पर आपको सी व्यू, लगून व्यू एंड गार्डन व्यू रूम्स अवेलेबल मिलेंगे. अगर आपको आईटीसी का रूम देखना है तो आप हमारी लास्ट वीडियो जरूर देखिए जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. सबसे अच्छी होटल की चीज है ये वाला शैंडलियर. लाइट में तो देखने का मजा ही अलग है. इनकी होली बहुत ग्रैंड है, इनके नाम की तरह आईटीसी ग्रैंड. शादी के कारण यहाँ पे काफी रौनकें लगी हुई. तो गाइस आप यहाँ पे अपनी वेडिंग सेरेमनी भी अरेंज कर सकते हैं. जैसे कि इस वक्त इस होटल में अभी वेडिंग चल रही है और उसका देखने का भी अपना ही मजा है. यहाँ पर शादी की वजह से बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है. ये आईटीसी बालकनी का अलग से सिटिंग एरिया है. गाइस दिस इज अ स्मॉल बालकनी फ्रॉम वेयर यू कैन एंजॉय द लगून व्यू. बेसिकली आवर रिसॉर्ट इज ह्यूज. इट्स 45 एकर्स. इट्स डिवाइडेड इन 5 एरियाज. Where is the room located? This is the lobby. From lobby sides, rooms location. We are going to 5th floor. Your room start with 5. In front of the lobby, all facilities for our guests are located. So guys, this is a pool area. यहाँ पर different sections बनाए गए हैं pool के. There is a kids pool. This is an adult pool. That is a family pool. It's a sitting pool. यहाँ पर slide भी है जहाँ पर आप enjoy कर सकते हो, slide ले सकते हो, and you will be directly diving into the water. Hi. This is the jacuzzi. यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर कंट्रोल्ड था, हमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी. इन द पूल एरिया माय डॉटर वाज शिवरिंग बट हियर शी वाज फाइन. यहाँ पे पूल बेड्स लगे हैं. Okay. We are going for baby swings. ये रास्ता है जो बेबी स्विंग्स को जाता है. ये रास्ता आगे जाके बीच को कनेक्ट करता है. किड्स के लिए बहुत सारे स्विंग स्लाइडर्स है. अकॉर्डिंग टू एज 300 है. और यहाँ से बहुत अच्छा आईटीसी का आप फ्रेम भी ले सकते हो. और आप चाहो तो यहाँ पे पार्क में बैठ सकते हो. बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे. यहाँ पे आप चाहो तो वॉलीबॉल खेल सकते हो. यहाँ पे वॉलीबॉल का नेट भी है. से प्ले कर सकते हैं चेस को. रियली वाओ यार इतनी बड़ी. किड्स पूल हैव किड्स क्लब एरिया. ओलीस किड्स क्लब. सो इट्स क्लोज बाय नेक्स्ट टू दैट एंड ओपन एरिया फॉर किड्स टू प्ले. किड्स क्लब टाइमिंग 9 मॉर्निंग टू 8 ओ'क्लॉक टू टाइम. सो दिस इज ओलीज क्लब. दैट इज किड्स क्लब जहाँ पर आप 4 साल के बच्चों को छोड़कर भी जा सकते हो. बट 4 साल के नीचे के बच्चों के लिए मदर का होना जरूरी है. ओलीज क्लब किड्स के लिए डेली डिफरेंट एक्टिविटीज अरेंज करता है. सो गाइस दिस इज अ किड्स एरिया. दैट इज ओलीज क्लब फॉर किड्स. 1 to 4 ईयर्स के बच्चों के एज के हिसाब से इन्होंने टॉयज रखे हुए हैं. रिजॉर्ट में बेबी सीटर भी अरेंज हो जाता है अगर आप चाहते हो. जो इनके चार्जेस है वो आर्स के हिसाब से होते हैं. 400 पर आर के हिसाब से ये चार्ज करते हैं. सो गाइज इन दिस किड्स एरिया बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्टिविटीज कर सकते हैं. दे कैन डू पेंटिंग, ड्राइंग, दे कैन प्ले विद द टॉयज, दे कैन रीड बुक्स, दे कैन प्ले कैरम बोर्ड, चेस. फ्रॉम द पूल दैट्स ऑल फैसिलिटीज राइट इन फ्रंट ऑफ.